असलम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और यार आज की वीडियो में हम जिस फोन पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है सोनी एक्सपीरिया X2। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब करते भाई रिव्यू को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम भाई कैमरा रिव्यू करने वाले हैं सोनी एक्सपीरिया X2 का। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या ये जो फोन है कैमरे वाली साइड से कैसा परफॉर्म करता है। और ऑल दो देखा जाए तो इसकी जो परफॉर्मेंस है आप लोगों को पता है टॉप नॉच है, जिस प्राइस पॉइंट में यार है 845 के अंदर आपको प्रोसेसर मिल जाता है। बाकी आज की वीडियो में देखिए क्या यार ये जो कैमरा में कैसे परफॉर्म करता है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोई फोन परचेज करना चाह रहा है और उसको मतलब ये जाना है कि फोन का कैमरा कैसा है, बेहतर है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है इसी रेंज में शार्प एक्वास R2 आता है जिसका कैमरा मैंने रिव्यू करा है अपने चैनल पर, उसका जो कैमरा है किसी ने काम हुआ मुझे लगा है। तो आज की इस वीडियो में देखिए क्या ये जो फोन है जिसे मतलब जो गेमर जो गेमिंग फोन समझते हैं जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है अंडर 15K में आता है ये फोन, तो हम देखिए क्या ये जो है कैमरा वाली साइड से कैसा परफॉर्म करता है। तो आज की जो वीडियो वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर भाई आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आपको भाई इस चैनल पर इस तरीके की मस्त वीडियोस बनाते रहता है और ये है कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी देखा जाए तो आप ये फोन परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको इमरान भाई का नंबर दे रहा हूँ, आप इनकी शॉप से विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये फोन परचेज करना है तो आप भाई कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन के भाई कैमराज के बारे में बात। यार अगर आप देखते हो बैक वाले साइड पे तो आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 19 मेगापिक्सल का है। और इसके अलावा अगर आप फ्रंट वाले साइड पे देखते हो तो आपको एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। तो आपको बैक वाले साइड पे इसके अंदर 19 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। ये जो फोन है मतलब 4K तक वीडियो बना लेता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड और 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो बना लेता है इस फोन का बैक वाला कैमरा। और अगर मैं आप लोगों को इस फोन के भाई बैक कैमरा के शॉट दिखाऊं जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहे होंगे, और ये मैंने डे लाइट में शॉट्स लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफी अच्छी लगी है, क्योंकि ये सोनी के कैमराज है तो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी आप नहीं कहोगे इसे, लेकिन देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक गेमिंग का इसको टैग दिया हुआ है हमने इस फोन को, तो देखा जाए तो इस फोन के कैमरा मुझे सही लगे। अगर स्पेशली देखा जाए तो शार्प को जो एक्वास R2 आता है उससे तो इस फोन के जो कैमराज है वो बहुत ज्यादा अच्छे है। ये है कि भाई आपको बैक वाले साइड पे 19 मेगापिक्सल का सेंसर जरूर मिल जाते हैं जिसकी जो डिटेलिंग वगैरह है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और बाकी इसको मैंने लो लाइट में भी टेस्ट करा हुआ भाई, लो लाइट में मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये, लेकिन लो लाइट में भी ऑल दो देखा जाए तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ मुझे मिला है। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने भाई मुझे डीजल नहीं प्रोवाइड करे, लेकिन देखा जाए इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो इस फोन के कैमरा जो वो मुझे मतलब अच्छे लगे। बात कर लेते हैं फ्रंट वाले साइड पे तो आपको फ्रंट वाले साइड पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है इस फोन में, और जिसकी भी मैं आप लोगों को इमेजेस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को शो हो रही होगी। और 5 मेगापिक्सल का सेंसर है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, काफी डिसेंट क्वालिटी है, कोई मतलब इतनी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम उसको किसी भी किस्म से बुरी क्वालिटी नहीं कह सकते। जी हाँ दोस्तों, ये एक टाइम का फ्लैगशिप फोन था तो इसके अंदर डिटेलिंग वगैरह जो होती है इस फोन के कैमराज में वो काफी अच्छी होती है, तो ये बात मैंने इसमें नोटिस करी है। बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरा UI की, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, स्लो मोशन का मोड देखने को मिल जाता है, मैनुअल मोड देखने को मिल जाता है, और साउंड फोटो परिणाम इस तरीके के मोड देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर किसी भी किस्म का पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसके अंदर आपको सिंगल कैमरा मिलता है। और बाकी देखा जाए तो इसकी जो कैमरा UI है वो मुझे काफी सही लगी है, डिसेंट लगी है, क्योंकि मैंने X2 प्रीमियम का भी कैमरा रिव्यू करा था, उसके अंदर मैंने बताया था इसकी जो UI है इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन X2 में जो है मुझे X2 प्रीमियम के विषय मतलब जिसकी UI वो काफी सही लगी है। और बाकी देखा जाए तो इस फोन के ओवरऑल कैमरा जो काफी सही लगे मुझे। और बाकी अगर हम बात कर लेते हैं वीडियो वाली साइड्स की, तो अब मैं यहाँ पर आपको उसकी वीडियो शॉट दिखाता हूँ जो कि मैंने इस फोन के बैक कैमरा से लिया है। अच्छा, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे, तो आप लोग क्वालिटी देख सकते हो। अभी अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है और ये है क्या फोकसिंग मैं आप लोगों को चेक कराऊँ, तो फोकसिंग तो आपको पता है नो डाउट बहुत अच्छी है इस फोन की। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ से जूम करके दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो ये फुल 8x जूम हो चुका है ना, और जूम में आप लोग देख सकते हो क्वालिटी इस फोन की कैसी है। बाकी देखा जाए तो डायनामिक रेंज वगैरह मुझे काफ़ी सही लग रही है इस फ़ोन की, फोकसिंग भी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की देखा जाए तो। और ओवरऑल आप लोगों को मुझे बताना इसकी जो मतलब माइक की क्वालिटी वो आप लोगों को कैसे लग रही है इस फ़ोन के बैक कैमरे की माइक की क्वालिटी। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने इसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा हो सके, एक व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अगर आप लोग व्लॉगिंग वगैरह भी करना चाहते हो इस फ़ोन से तो आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके और फोकसिंग वगैरह कैसी रहती है इस फ़ोन की बैक कैमरा की तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और अगर मैं बाकी दिखाऊँ तो यहाँ से स्टेबलाइजेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों।
तो आपने देखिए इस फोन के बैक कैमरा की वीडियो शॉट्स, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस फोन के भाई फ्रंट कैमरा की वीडियो शॉट जो कि मैंने इसी फोन के फ्रंट कैमरा से लिए जो कि 5 MP का कैमरा है। अच्छा अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सोनी एक्सपीरिया एक्स टू के फ्रंट कैमरा से, और क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। और शाम का टाइम हो रहा है अभी अराउंड 6 बज रहे हैं, तो क्वालिटी आप लोगों के सामने ही है। और बाकी देखा जाए तो इसकी जो फोकसिंग वगैरह है आप लोगों के सामने, और अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाकी दिखाऊँ यहाँ से तो आप लोगों को फ्रंट कैमरा की स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा भी यहाँ से हो जाएगा, और जो मतलब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी इस फोन के माइक से सुन रहे हो। बाकी दोस्तों इसके जो बैक वाला कैमरा है और उसके अंदर आपको EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बात भी है जो आप मतलब वीडियोस वगैरह बनाओगे तो वो ज़्यादा आपकी मतलब ये कि वीडियो शेक नहीं होगी, तो इसमें चीज़ मुझे अच्छी लगी है। तो पता है सोनी की जो डिवाइसेस है उनके अंदर आपको एक मतलब जो है फोटो बटन देखने को मिल जाता है जो कि आपकी ना मतलब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में काम आता है। एक एक्स्ट्रा बटन आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि ये भी देखा जाए काफ़ी मतलब काम आता है, कभी कभी आपको खाली ये बटन दबाना है आपका कैमरा फ़ौरन से खुल जाएगा और इसकी मदद से आप पिक्चर्स भी ले सकते हो और सेल्फीज वगैरह लेने में भी काफ़ी मतलब ये है कि इजी हो जाता है सीन। दोस्तों देखा जाए तो इस फोन की जो कैमराज है और इसकी जो कलर वाली साइंस है वो काफ़ी रेडिश टोन मतलब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, तो इसमें मैंने बात नोटिस करी है। बाकी आप लोगों को उम्मीद है आज की वीडियो में जो इस फोन की कैमरा के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। बाकी ये वीडियो जाती है यहाँ पर खत्म, इतना देर शुरू के लिए मिलते किसी अगली वीडियो में इसी अपने बन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज स्मार्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।